निवेदन करूंगा कि अपने विचार मुख्यमंत्री साहब ने यार। हेलो ओ भाई जी, बैठो बैठो यार, एक मिनट बैठो भाई जी, बैठो यार जी। हेलो 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 भाई जी, धन्यवाद भैया, तेरा काम करिया ने नहीं। सबसे पहले हेलो पापा जी, पीछे कर कैमरा। हेलो यार, कैमरे बड़े यार, का पीछे कर। बधाइयां देना सारी मनुख। ओ भाई हेलो, क्योंकि ओ पीछे हो, ओ गुरु मनुखता दे सी, उना दी बाणी बराबरता दा स्नेहा दिंदी है, बराबरता दा। आज तुसी इथों हर साल दी तरह जानू ट्रेना लैके वाराणसी, तुहाडा गुरु प्रति विश्वास, गुरु प्रति श्रद्धा जिहड़ी है, इह उहदा संकेत है। मेरे को सारी कमेटी आई सी और मैं इन्होंने यही कहा सी कि मैं खुद आऊँगा और मैं यही अरदास करूंगा कि जिहड़ी संगत है उहदा विश्वास, ओ यार पिछे जो इच्छा लैके, जो श्रद्धा लैके तुसी जा रहे हो, वो श्री गुरु रविदास जी पूरियां करन। और सारा मीडिया खड़ा इत्थे जलंधर दा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये किसी एक फिरके दा प्रोग्राम नहीं, एक वर्ग दा प्रोग्राम नहीं, सारयां दा प्रोग्राम, क्योंकि सर्वसांझी गुरबाणी दे विच श्री गुरु रविदास जी की जिहड़ी बाणी है, जदों भी तुसी कोई उहदे चों पंक्तियां पढ़ोगे तां उहदे विच बराबरता दा संदेश ही मिलेगा, भुखे नूं अन्न खवाउण दा संदेश मिलेगा, गरीब गुरबे नूं लतरे होयां नूं उपर उठाउण दा संदेश मिलेगा। जदों 16 मार्च नूं असी खटकड़ कलां विखे सहु चुकी पंजाब दी नवीं सरकार जिहड़ी तुसी बनाई है, तुहाडी अपनी सरकार, तां असीं उसे दिन फैसला कीता। आम तौर ते की हुंदा है सरकारी दफ्तरां च पंजाब दे च जदों मुख्यमंत्री बदल जांदा है तां फोटोआं बदल जांदियां ने, तां नवें मुख्यमंत्री दीआं फोटो लग जांदियां ने। असीं उसे दिन फैसला कीता मेरी फोटो नहीं लगेगी किसी सरकारी दफ्तर च, मेरे दफ्तर च भी उत्थे शहीद भगत सिंह ते डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी की फोटो लगेगी जिन्हां ने सानू संविधान दिता। तुसीं देख सकते होंगे दफ्तरां दे विच जांदे रहिंदे होंगे। और सख्ती नाल सी कहा एक शहीद भगत सिंह है जिन्हां ने आजादी लैके आउण च योगदान दिता, दूजिया ने आजादी नूं संभालण लई संविधान लिखिया बराबरता। अज इहदे करके MLA साहब सारे साढ़े जिन्ने भी खड़े ने, जिहदे करके मंत्री बने हुए ने, जिहदे करके देश दे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत वड्डे वड्डे पदवियां ते पहुँचदे आ, कि डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का सुपना सी, कि उन्होंने सुपना सी एजुकेशन का, और उन्होंने आप खुद विदेशों जाके PhDs की थी। PhD पढ़ना बहुत औखा सी, घर के हालात ठीक नहीं सी, घरें आते सी थोड़े पैसे जमा करते सी फिर जाते सी, तो उन्होंने हमेशा एजुकेशन नूं तरजीह दी। उही तरजीह साडी है पंजाब की सिक्ख्या का क्रांतिकारी जिहड़ा सी कायापलट करांगे, गरीबां दे बच्चे जिहड़े पढ़नगे। दिल्ली दे विच क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक मजदूर का बच्चा, एक रिक्शेवाले का बच्चा, ते एक जज का बच्चा इको बेंच ते बह के पढ़न लाते, इको किताब पढ़न लाते, ते अज गरीबां दे बच्चे इंजीनियर बन रहे ने, डॉक्टर बन रहे ने, वकील बन रहे ने। जदों तुहाडे बच्चे पढ़ जाणगे ओ थोड़ी गरीबी चकणगे, होर कोई थोड़ी गरीबी चक नहीं सकता। वैसे नारे जो मर्जी दे जाण, ये असीं गरीबी हटा देंगे ना, जिन्ना चिर सिक्ख्या नहीं आउंदी। डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का सुपना जिहड़ा अधूरा सी उहनूं पूरा करन वास्ते असीं लगे होए हां। स्कूल ऑफ एमीनेंस भी होणगे, हैल्थ दे विच भी आ रहे हां। मैं तुहानूं संत निरंजन दास जी, मैं कोई पहली बार नहीं मिलिया, जदों आपस अखां मिलियां साडा एक दूजे नाल, दोनों का समाइलिंग फेस नाल सामना होया, क्योंकि दिल साफ है, उधरों तो दिल साफ है गई है, साडी भी नीयत साफ है, दिल साफ है। जिन्ना चिर
ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ जे सानू गुरुआं दी पीरां दी शहीदां दी जिहड़ी प्रेरणा है ते साडी मिट्टी है असीं हर रोज़ उस धरती दा पाणी पीने आ ते मैं तुहानू सारयां नूं विश्वास दवाउणा मेरे ते यकीन रखियो एक भी बच्चा इस करके कि उहदे कोले फीस नहीं इस करके कि उहदे कोले साइकल नहीं इस करके कि उहदे कोले स्कूल जाण वास्ते बस नहीं सी इस करके अनपढ़ नहीं रहूगा गरीबां दे बच्चियां नूं पढ़ावांगे स्कूल नंबर वन बनावांगे मर्जी थोड़ी होगी प्राइवेट च पढ़ाउणा प्राइवेट च पढ़ा लिओ सरकारी च पढ़ाउणा सरकारी च पढ़ा लिओ पढ़ाई इक्को जी होगी हाँ उधर फीस लगेगी इधर फीस भी नहीं लगनी इधर तो बस सिर्फ बच्चे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनावांगे बच्चा जिहड़े पासे जाना चाहुंदा उहनूं उतले पासे लेके जावांगे जे बच्चा खिडारी बनना चाहुंदा नौवीं क्लास तो उहनूं कोचिंग देनी शुरू करांगे जे बच्चा डॉक्टर बनना चाहुंदा नौवीं दसवीं क्लास तो उहनूं डॉक्टरी वल लैके जावांगे ये नहीं हैगा कि उहदे उत्ते थप्पी आपां कि पुत तूं आही बनना है वह बच्चे का इंट्रस्ट कई बार नहीं हुंदा उस पासे सो इस करके तुसीं जा रहे हो उस मुकद्दस उस पवित्र जगह पर मेरे वालों भी मत्था टेकना और मैं 5 तरीक नूं भी इत्थे भी दोबारे भी आऊँगा जिन्नी बारी कहूँगी आऊँगा क्योंकि मैं तो यही कहना हुंना कि जिहड़े समाज दे विच दबे कुचले लोग रह गए पछड़े रह गए उन्होंने उपर चक्कण का मौका है 5 साल मैनू परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाती जे कितने 5 साल च मैं थोड़े बहुत भी जिंदगी बदलने से कामयाब हो गया मेरे ख्याल च जो कर्जा पंजाब ने मेरे सिर चढ़ाया हुआ है थोड़ा बहुत लाउन च मैं कामयाब हो जाऊंगा थोड़े वर्गा थोड़े नाल ट्रेन का टाइम हो गया तो तुसी सारे शांति नाल ट्रेन वाल नूं जाओ हरी झंडी दिखा के ट्रेन इत्थों रवाना करांगे सुखी संधी जाओ तो सुखी संधी वापस आओ गुरुआं दा आशीर्वाद लैके जो बोले सो निरपै श्री गुरु रविदास महाराज की जय बोल बोल बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब ने अपने विचार रखे ने और आप सब संतान गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र 146 में जयंती गुरु की लख लख बधाई दी है तो गुरु प्यारी साहब संगी ट्रेन उस समय में ही चलन वाली है जो संत अजे ट्रेन में नहीं सवार हुई कृपया वह पहुंचने की कृपालता करो जी जय गुरुदेव धन्यवाद सब संतान बेनती है कि एक नंबर के प्लेटफॉर्म से ट्रेन लग चुकी है जिहड़ियां संगतां बनारस वास्ते जाना है वो एक नंबर से पहुंच गए अपनी यात्रा लई अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कोच के बैठने की कृपालता कर जो कि ट्रेन भी आप समय सिर रवाना कर सकी सो सारिया संगतों फिर एक बार सतगुरु रविदास महाराज के 146वें प्रकाश दिहाड़े पर बहुत बहुत मुबारक संगतों बहुत बहुत मुबारक और खुशियों के नाल जाके बनारस विखे सतगुरों के प्रकाश दिहाड़े मनाओ तो खुशियों के नाल ही वापस 6 तरीक नूं उत्थे चाले पा के 7 तरीक नूं इत्थे तुहाडा फिर निघा स्वागत होवेगा सब